जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडीज। सो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे को नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, हमारा टेंस का सीरीज चल रहा था जिसमें हमारा वीडियो का पार्ट 10 तक हो गया। ये हमारा वीडियो का पार्ट 11 है जिसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, टेंस में हमारा चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। ओके, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है बच्चों। तो इसकी जो सहायक क्रिया होती हैज बीन और हैव बीन। और अभी तक आपने यदि आपको सहायक क्रिया के बारे में नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दे दीजिएगा। ओके, और इसकी हमें एक धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से सहायक क्रिया बताया है, उसकी पहचान बताया सभी टेंस की। बार अगर वीडियो को वॉच कर लो, पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको सारे टेंस की पहचान बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको पहचान कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। तो बच्चों, जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द देखने को मिल जाए वह वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन आप ये भी कहोगे कि कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है आते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है बच्चों, इसमें समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। समय दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए बच्चों क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आप कैसे आप पहचानोगे कि समय निश्चित है कि अनिश्चित है। चलो निश्चित समय के लिए देख लेते हैं। जब आपको बच्चों सुबह, दोपहर, शाम, बजे, अगला, पिछला, दिन का नाम, महीने का नाम, सन दे दिया जाए तो बच्चों जान लीजिए वह वाक्य क्या है बच्चों, निश्चित है। ओके, समय जो है उसमें निश्चित होगा। और अनिश्चित के लिए बच्चों देख लेते हैं, जब आपको घंटा दे दी जाए, महीना दे दी जाए, साल, रात, आधी रात मिल जाए, दिन, महीना, साल, सेकंड, मिनट आदि शब्द यदि आपको देखने को मिल जाए बच्चों, तो जान लीजिएगा वो वाक्य कैसा है, समय जो है उसमें अनिश्चित समय है। ओके, आई होप बच्चों आपको निश्चित और अनिश्चित समय में डिफरेंस क्या होता है पता चल गया है। ओके, तो चलो हम एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं इसका। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो बच्चों ये रहे हमारे कुछ सेंटेंस यानी कुछ वाक्य जिसके माध्यम से हम इसका ट्रांसलेट करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे इनका प्रयोग होता है, यानी सारे वाक्य के बारे में, सभी प्रकार के वाक्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, कहा गया है कि सोहन 2 दिन से दवाई खा रहा है। सोहन 2 दिन से, यानी टाइम दे दिया गया, 2 दिन से दवाई खा रहा है। ओके, तो चलो इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, देखो सबसे पहले एकदम साधारण वाक्य में कह दिया जाए कि सोहन 2 दिन से दवाई खा रहा है। तो सबसे पहले इसमें बच्चों जो आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा सोहन। ओके, ऐसे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बच्चों सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया क्या रहेगी, वचनकर्ता के साथ बच्चों क्या रहेगा, हैज लगेगा, यानी सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, जबकि प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगेगा। ओके, तो सोहन हैज बीन, हैज बीन क्या कर रहा है, खा रहा है। सोहन हैज बीन क्या कर रहा है, खा रहा है। Eating, eat हो जाएगा प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बच्चों लगेगा और उसमें ing जुड़ा होगा। ओके, eating the medicine, medicine दवाई का क्या होगा बच्चों, medicine होगा। कब से, देखो 2 दिन से, दिन सो नहीं, दिन का नाम सो नहीं किया गया। ओके, 2 दिन से खा रहा है, यानी for 2 days, फॉर अनिश्चित समय बच्चों, ये कैसा समय है, अनिश्चित समय, फॉर 2 days, फॉर 2 day। ओके, एकदम साधारण वाक्य, यानी सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ा होगा,
अदर वर्ड ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस प्लस टाइप। ओके, ये होता है बच्चों इसका स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए इसे एक कॉपी में। ओके, अगला है बच्चों देखिए क्या है, मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। वाक्य कैसा है बच्चों? निगेटिव है। हाँ, वाक्य कैसा है? निगेटिव। मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ओके, हाय, आई के साथ क्या लगता है बच्चों? हैव आता है। ओके, नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, क्योंकि नहीं है ना। गोइंग टू स्कूल कब से? सिंस मंडे। ओके बच्चा, पार्टी सिंस मंडे, MONDAY, सिंस मंडे। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ओके, एनी सब्जेक्ट? ओके, सहायक क्रिया हैज या हैव, इसमें हैव लगेगा, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीन और फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी आईएनजी लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस से समय है, सिंस इसलिए लगा बच्चों, प्लस प्लस टाइम मंडे, टाइम समय दे दिए गए। ओके, नोट कर लो। अगला है वे आधी रात से जाग रहे हैं। वे आधी रात से जाग रहे हैं यानी संख्या बहुत है, अधिक है यानी बहुत है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? हैव बीन लगेगा। तो दे है बीन जागना, अवेकिंग, अवेकिंग आधी रात से। बच्चों आधी रात देखो, हमने अभी रिसेंटली बताया आपको कि आधी रात जब आ जाए तो मान लीजिए वो क्या है? अनिश्चित वाक्य है। ओके, यानी अनिश्चित समय है। तो आधी रात, फॉर मिडनाइट। ओके, अगला है क्या बच्चे स्कूल में 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे स्कूल में 2 घंटे से शोर मचा रहे? वाक्य कैसा है बच्चों? कैसा है वाक्य? हाँ, क्या है? इंट्रोगेटिव है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न किया गया है। ओके, अगर शुरू में बच्चों आपको प्रश्नवाचक शब्द दे दिया तो सबसे पहले आप सहायक क्रिया का प्रयोग, कोई भी टेंस हो शुरू में दे देगा, सबसे पहले आप सहायक क्रिया का प्रयोग करना। ओके, अगर बीच में दे देगा तो उस शब्द की अंग्रेजी प्लस उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेगा, वो भी कर्ता के अनुसार। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके अनुसार? इस कर्ता के अनुसार, बच्चे के अनुसार। तो बच्चे के अनुसार बच्चों एक से अधिक, क्योंकि बच्चे अधिक होते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा सहायक क्रिया। ओके, तो यहाँ पर हैव आएगा सबसे पहले बच्चों। अगर 2 सहायक क्रिया हो तो उनको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। ओके, तो हैव चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे क्या होता है? चिल्ड्रेन। बीन, अब इसके बाद बीन आएगा बच्चों, ना? यानी है प्लस, यानी है जो है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा। ओके, शोर मचाना मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज। द हैव चिल्ड्रेन बीन मेकिंग ए नॉइज, कहाँ पर? इन द स्कूल, इन स्कूल में, अदर वर्ड दे दिए। ओके, स्कूल कब से? 2 घंटे से। फॉर देखो, 2 घंटा, जब मन कहा घंटा शब्द आ जाए तो जान लीजिए क्या है? अनिश्चित समय है। ओके, तो फॉर 2 आवर, आवर लास्ट में क्वेश्चन मार्क मार्क लगाना मत भूलना, नहीं आपका ये वाक्य जो होगा बच्चों गलत हो जाएगा। ओके, तो आई होप बच्चों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है। ओके, तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो दिख रही लाल बटन को दबा करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप आसानी से पहुंचता रहे। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक साथ, तो तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।